क्वालिटी जिसे देखकर मजा आ जाएगा और कलर इतना रेयर कि आप लोगों ने काफी कम देखा होगा। वैसे तो इस स्पीड की वीडियो में हर वीक लाता रहता हूँ, लेकिन भाई वो ये कलर नहीं होता क्योंकि ये काफी रेयर कलर है जो है व्हाइट कलर। जी हाँ गाइस, मैं बात करने वाला हूँ रिट्रीवर के बारे में, जिसे हम लोग गोल्डन रिट्रीवर के नाम से जानते हैं, लेकिन आज मैं इन पपीज को गोल्डन रिट्रीवर नहीं बल्कि व्हाइट रिट्रीवर कहूंगा। तो गाइस, अगर आप लोग इस स्पीड को लेना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि भाई ये कलर आप लोगों के आसपास तो किसी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर जो आप लोग देखते हैं ना वो डार्क कलर होता है या फिर गोल्डन कलर होता है, जो कि आप लोगों को इजीली हर कहीं पर मिल जाता है क्योंकि भाई ये काफी कॉमन से कलर है। और क्या आप लोग जानते हैं कि रिट्रीवर में आप लोगों को प्योर ब्लैक कलर भी मिलता है, जो कि बहुत ही कम होता है। तो गाइस, पपीज जो है ना ये बेस्ट क्वालिटी में, इनमें आप लोगों को मेल पपीज और फीमेल पपीज दोनों ही मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पपीज होम ब्रीडिंग के हैं और अभी तक भाई ये मदर फीडिंग पर हैं। तो गाइस, जो पपीज ज्यादा टाइम तक मदर फीडिंग पर रहते हैं ना भाई, उनकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होती है, उनकी हेल्थ भी काफी अच्छी होती है और बीमार होने के भी काफी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन मदर के दूध से मिल जाते हैं वो आप लोगों को किसी भी चीज में नहीं मिलेंगे, चाहे आप लोग कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स ले आओ। वैसे गाइस, आप लोगों ने इस ब्रीड की काफी सारी वीडियोस भी देखी होंगी और ये भी आप लोगों को पता होगा कि कितनी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है भाई। इन्हें आप लोग बहुत सारी चीजें सिखा सकते हो और वो भी बिल्कुल इजीली। इन्हें ट्रेन करना आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान काम होगा, क्योंकि भाई इस ब्रीड की सबसे खास बात ये है कि ये इजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड और बहुत ही स्मार्ट होते हैं, और ये चीज आप लोग गूगल करके भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, ये डॉग ब्रीड उनके लिए सबसे बेस्ट है जो फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर जिनकी बड़ी सी फैमिली है और उन्हें अपनी फैमिली के लिए एक कंपेनियन डॉग ब्रीड चाहिए जो अग्रेसिव ना हो और सभी के साथ काफी फन लविंग एंड प्यार से रहे। तो भाई ये डॉग ब्रीड आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि भाई ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते और किसी के ऊपर बार्क नहीं करते, अटैक नहीं करते। तो इस ब्रीड को आप लोग कहीं पर भी घुमाने ले जा सकते हो, आप लोगों को ये डर नहीं रहेगा कि कहीं ये किसी को काट वाट ना ले, गली में खुला छोड़ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे हाँ दोस्तों, इन पपीज की मदर को तो आप लोग पपीज के साथ में देख ही रहे हैं, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ पपीज होम ब्रीडिंग के हैं, तो जब आप लोग परचेज करने जाओगे तो मदर को लाइव भी देख सकते हो, लेकिन जो फादर की फोटो वीडियोस है ना भाई वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने सेंड नहीं कर रखी। तो प्लीज परचेज करने से पहले आप लोग इनके पेरेंट्स को अच्छे से चेकआउट जरूर कर लें, फादर की क्वालिटी भी अच्छे से देख लें, उसके बाद में ही परचेज करें, क्योंकि ये चीजें आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ। तो गाइस, पपीज व्हाइट कलर में बेस्ट क्वालिटी है और पपीज जो है ये 37 डेज के हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है भाई वो है दिल्ली NCR से। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि दिल्ली NCR में आप लोगों को कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगी, लेकिन भाई ये ऑफर आप लोगों को सिर्फ दिल्ली NCR में मिल पाएगा। अगर आप लोग आउट ऑफ दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप लोग डायरेक्ट आकर भी परचेज कर सकते हो, या फिर ओनर आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज पर डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे। एंड फाइनली, अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो इनमें आप लोगों को मेल पपीज और फीमेल पपीज दोनों ही मिल जाएंगे। तो ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 14,000 पीस 14,000 रुपए, एंड फीमेल की 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, प्राइस नेगोशिएबल है तो बार्गेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो, तो एटलीस्ट आप लोगों को एक बार डॉग ओनर से जरूर कॉन्टेक्ट करना चाहिए। आई एम श्योर पपीज आप लोगों के बजट में आ सकते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।